बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पिक्चर चालू करो बे। कांग्रेस पार्टी में आवाज नीचे से आती है, बात तो सही है। सही है ना? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और ऐसा है कि लॉटरी खुल गई है। अच्छा, जो भी दिल में आता है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? एनडीटीवी अच्छा लगा, उठा के ले गए। ये देखो रिपोर्टर हंस रहा है, इनकी गलती नहीं है, मैंने इनको इसलिए बोला। मीडिया के हमारे मित्र हैं, मगर इनको बांध के रखा हुआ है, ये जो दिल में है बोल नहीं सकते। मगर क्यों? नहीं तो इनको निकाल दिया जाएगा, आज फिर मतलब सैलरी नहीं मिलेगी। अच्छा। प्रॉब्लम हो जाएगी, देखो सिर हिला रहे हैं ये, कह रहे हाँ जी सही बोलो। ये कैसे आदमी तूने पाल रखे हैं तेजा, साले 10-10 हजार का सूट पहनते हैं और अकल 10 पैसे की भी नहीं है। जो मैकेनिक गाड़ी बनाता है, हाँ? जिसने इस माइक्रोफोन को आज सुबह ठीक किया, मोबाइल फोन को जो ठीक करता है, जूते बनाता है, टी शर्ट बनाता है, कौन है कहां से आते हैं? हिंदुस्तान के युवा, हाँ? सोशल मीडिया से जी नहीं सकते, कमा नहीं सकते। चुप हो जा सातवी फेल, चुप हो जा। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार की जरूरत है। अच्छा, ये काम नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ इंडिया अलायंस कर सकता है। कन्याकुमारी से कश्मीर हम चले तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? 4,000 किलोमीटर चले, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हमने खोली। अच्छा। मैं गांधी जी से बात कर रहा था, आज हमने लंच खाया और उनसे मैं कह रहा था कि देखिए मोदी जी ने अरबपतियों के जेब में पैसा डाला। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अरबपतियों ने ये पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी इमारतें खरीदी, घर खरीदे, मैंशंस खरीदे। इन्होंने ये पैसा लंदन में, अमेरिका में, जापान में, दुबई में खर्च किया। अच्छा, अब हम चाहते हैं, हाँ? कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में, करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। ठीक है समरिया, ये पैसा आप हिंदुस्तान में खर्च करोगे, भारत में खर्च करोगे, गांव में खर्च करोगे, शहरों में खर्च करोगे। क्या करोगे आप माल खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, शर्ट, पैंट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये चीजें आप खरीदोगे। जैसे ही आप चीजें खरीदोगे, वैसे ही इन चीजों का डिमांड बढ़ेगा और हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। मस्त जोक मारा। जो फैक्ट्रियां आज बंद पड़ी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी से, जीएसटी से ये जो फैक्ट्रियां बंद की हैं, ये फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को एक बार फिर रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए, हम चेन बना रहे हैं, पहले आपके जेब में पैसा डालेंगे, आप माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां माल बनाएंगी, फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा। आपके जेब में और पैसा आएगा, आप और माल खरीदोगे, फैक्ट्रियां और तेजी से चलेंगी। मस्त प्लान है।
हम इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह माय गॉड, नोटबंदी ने और गलत जीएसटी ने इकोनॉमी को ठप कर दिया, सुला दिया है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है चाबी घुमाने से पहले, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल रहे हैं। एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं। उसके बाद सरकार बनेगी, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो जाए। ये हमारी सोच। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।